पे बता दो कि एक्सप्रेसवे कहाँ है, और अगर किसी को सूसू लग गई तो सूसू कहाँ करेगा? बारिश में ही हुआ, वही तो शुक्र मनाओ कि अभी बरसात नहीं हुई, बहुत ढंग की बरसात नहीं। और अगर सही मायने में पहले जैसी बारिश हो जाए सही कह रहे हैं। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव सोमवार को इस सड़क के निरीक्षण पर पहुंच गए। इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दौरा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने यहां पर स्थानीय गांव के लोगों से बातचीत की। एक्सप्रेसवे को अधूरा बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस एक्सप्रेसवे पर किसी को सूसू लग जाए तो बताओ वो कहां पर जाएगा। लोगों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जो निर्माण हुआ है उसकी क्वालिटी बेहद घटिया है। ऐसे में आधे अधूरे और घटिया क्वालिटी के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बीती 15 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। लोकार्पण के 5 दिन बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा बारिश के बाद धस गया, जिसे लेकर अखिलेश ने ट्वीट के जरिए कई सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन विवाद और सफाई की तमाम बातों के बीच अखिलेश यादव सोमवार को इटावा में इस एक्सप्रेसवे को देखने पहुंच गए। अखिलेश एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। सबसे बात करते अखिलेश ने सवाल किया कि इस एक्सप्रेसवे पर किसी सुविधा का निर्माण नहीं हुआ है, मार्किंग तक नहीं हुई है, ऐसे में अगर किसी को सूसू लग जाए तो कहां जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, अब उनका नया बयान सामने आया है। तस्वीर यूपी की राजनीति में नई है लेकिन विवाद पुराना। सरकार अखिलेश को जवाब देती है या नहीं देखना दिलचस्प होगा।